जय श्री दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आप जैन धर्म से जुड़ी हर धार्मिक गतिविधियों का आनंद उठाते हैं। दर्शकों, राजस्थान के विख्यात झीलों के शहर उदयपुर में परम पूज्य चारित्र नायक मुनि कुंजर, समाधि साधक आचार्य श्री 108 आदि सागर जी अंकलीकर महामुनिराज की परम्परा के चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान केसरी चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज 71 पिछी ससंग के सानिध्य में एवं उनकी आशीष से 6-10 अप्रैल तक श्री 1008 भगवान आदिनाथ दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति मा यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें आप अभी तक तीर्थंकर प्रभु के माता के गर्भ में आने से लेकर उनके तप करने एवं केवल ज्ञान प्राप्त करने तक के दृश्यों को देख चुके हैं। इसी के साथ कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अवलोकन करते हैं किस प्रकार देवादिदेव आदिनाथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो आइए प्रभु का स्मरण कर प्रस्तुति का शुभारंभ करते हैं। अपनी आयु के 14 दिन शेष रहने पर भगवान ऋषभनाथ कैलाश शिखर पर समाधि लीन हो गए। वहीं मां कृष्ण चतुर्दशी के दिन उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। आदिनाथ प्रभु के निर्वाण को स्मरण करते हुए श्रद्धालुओं ने प्रथम तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक मनाया, जिसकी शुरुआत नित्यमय पूजन से की गई। खुशी खुशी मिल के चलो, आज प्रभु नवर करेंगे। पम 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 हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीम जीम चीम चीम राम राम ग्रीम ग्रीम द्रावे द्रावे ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्रता इक्षु सजनाभिषेकम् करोमि स्वाहा। दत्तनाम गतः जिनपते प्रतिमां सुधारा संपद्यतां सपदि वांछित सी देव ओम रीम शिम ग्लीम एम अरवम वम हम जम तम पम वम 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 पवित्र दध्याभिषेकम् करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि। पीताम्बर वस्त्र धारण करे श्रावक श्राविकाएं पांडाल में धार्मिक क्रियाओं में सहभागिता कर अर्घ्य अर्पित कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ऋतुओं का राजा बसंत यहाँ आकर विराजमान हो और अपनी असीम कृपा बरसा रहा हो। श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंत स्वस्ति स्वस्ति श्री हरिण स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्ण स्वस्ति मंगल विधान स्वादने छिपामि पुष्पांजलि छिपामि मंगल पाई सुकांता तत्पश्चात गुरुवर सत्संग का मंगलमय आगमन हुआ, जिनके सानिध्य में भक्तों ने मंडप पर मांगलिक विधियों को पूर्ण किया। जय माला जल बलादी पूर्णार्घ्य महार्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। मोक्ष प्राप्त करने के पश्चात आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है और लोक के अग्रभाग सिद्धशिला में विराजमान हो जाती है। इस समस्त प्रकरण को मोक्ष कल्याणक में अत्यंत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसे देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। प्रभु निरंतर धर्मों देश देते हुए एक महीने की आयु शेष रहने पर
ध्यान को ध्याते हैं और चौदहवें गिण स्थान में पहुंचते हैं। पंच अक्षर मात्र ध्यान को ध्या करके चौदहवें गुण स्थान की उपांत समय में अंतिम द्वितीय समय में तेरह कर्म प्रगतियों का नाश करके प्रभु मोक्ष अवस्था को प्राप्त करते हैं। भगवान संपूर्ण कर्मों से रहित हो गए हैं और ले गए मोक्ष के द्वार आज इस नगरी में। आप दृश्य देख रहे हैं, अग्नि कुमार अपने मुकुट में अग्नि भी प्रज्वलित कर रहे हैं। तो आदिनाथ मुनिराज के गर्भ में आए, जन्म लिया, तब कल्याण हुआ। निर्वाण लाड़ू अखंड लाड़ू की तरह आत्मा होती है, जिसे कहाड़ी में ठीक उसी प्रकार तपना पड़ता है जिस प्रकार अखंड आत्मा को भी तपश्चरण की अग्नि में तपना पड़ता है, तभी मोक्ष रूपी चाशनी की मधुरता मिलती है। ऐसी भावना भाते हुए भक्तों ने तीर्थंकर को निर्वाण लाड़ू समर्पित किया। चतुर्दशी श्रेष्ठ की मोक्ष गए भगवान। निर्वाण लाडू चढ़ा रहे आप देखिए, निर्वाण लाडू अनर्घ पद प्राप्त से आदि आज निर्णय निर्वाण लाडू सहित महार। अग्नि के माध्यम से परमात्मा की उपासना करने की विधि हवन कहलाती है, जिसमें सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। महोत्सव में अब समय था विश्व शांति महायज्ञ को पूर्ण करने का, जिसमें उपस्थित भक्तों ने आहुति देकर विश्व कल्याण की भावना भाई। समाज की ओर से महामहोत्सव में पधारे उन सभी बुद्धिजीवियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने एवं कार्यक्रम के संचालन में सारथी की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। आप सब लोगों ने अच्छे से हम लोगों काम किया, तो हम पूर्ण समाज की ओर से मैंने और वेलावा साहब ने निर्णय किया कि इन तीनों का सम्मान किया जाए। तो महामंत्री हमारे भगवतीलाल जी गोदावत में चाहूंगा आप सब करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। और इस निर्माण कार्य में लगा ऐसे जय कुमार, अनिल कुमार और भगवतीलाल जी गोदावत को हम सेवा मनीषी के रूप में आज अलंकृत करते हैं और पूरा समाज ये अलंकरण करते हुए बहुत गर्व का महसूस करता है। और मैं जो समाज की ओर से अलंकरण किया है उसे उसका वाचन करता हूँ। श्रीमान अनिल कुमार जी दोषी और श्रीमान जय कुमार जी दोषी जैन, आप द्वारा श्री 1008 आदिनाथ भगवान जिनालय संत भवन एवं प्रतिष्ठा कल्याण महोत्सव विश्व शांति महायज्ञ में निर्माण सारथी बनकर स्वर्णिम सेवा प्रदान कर महासचिव के रूप में, निर्माण सारथी के रूप में सेवा प्रदान कर विभिन्न व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संपादित किया, जिसके फलस्वरूप यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव धर्मनगरी उदयपुर के इतिहास में एक स्वर्णिम यादगार के रूप में संपन्न हुआ। आपकी इस उच्च सेवा एवं सुचारी व्यवस्थाओं से प्रभावित होकर श्री दिगंबर जैन दशा उमर समाज संस्था, श्री सकल दिगंबर जैन समाज एवं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव
कार्यकारिणी आपको सेवा मनीषी सम्मान से अलंकृत करते हुए गौरवान्वित करती है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन दशावमर समाज संस्था कमल कुमार जैन, अध्यक्ष श्री सकल दिगंबर जैन समाज संस्था शांतिलाल जी बेलावत। अरे एक की झलक इनको देखो तो अंधे मन के मस्काए। पकड़ समर्पया मिति कौन है जिसने हमको जी पहचान है, कोई और नहीं गुरु सुनील सागर नाम है। ओम परम पूज चरिया चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव भक्तों के भगवान वर्तमान के वर्तमान मंदिर विशुद्धि गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर गुरु के पावन चरण कमले भी ओ नमः। जल फला अर्घ कृपा मिति नमोस्तु। तीर्थंकर प्रभु को अर्धनारीश्वर क्यों कहा जाता है और सभी शत्रु नाश कैसे हो जाते हैं, इस विषय पर पूज्य गुरुदेव ने विस्तार से समझाया। अर्धम ते नारियों यस्मा दर्द नारी सरोषता, जिनसेन स्वामी ने कितनी साफ ढंग से बात कही कि आपको अर्धनारीश्वर हम कहें तो ये भगवान कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है। अर्धम ते नारियों यस्मा दर्द नारी सरोषता, आपने जब केवल ज्ञान प्राप्त किया तो घातिया कर्म रूपी आधे कर्म शत्रु नष्ट हो गए। शत्रु मतलब अरी, आधे कर्म रूपी शत्रु नष्ट हो गए। तो अर्धम ते ना आरयो यस्मात अर्धनारी स्वरा, आधे अरी जिनके खत्म हो गए वो अर्धनारी स्वर, आप अर्धनारी स्वर है केवल ज्ञान। सिद्ध शिला का चंद्रमा भी लगा हुआ है, केवल ज्ञान की गंगा भी बह रही है और दिगंबरत्व का रूप भी है। अब अच्छा नहीं लगता है तो व्याघ्र की छाल लपेट दी है वो दिखा देते हैं, निर्भयता का प्रतीक। ऐसी बहुत सारी बातें हैं और सब कुछ होने के बाद भी आप ये कहेंगे फिर ये सोचेंगे जब ऐसी बात है तो हम भी उसी रूप को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते। ज्ञानी हमें फोटो भी मालूम है और फोटो की असलियत भी मालूम है, इसलिए हम असलियत को पकड़ते हैं, आत्मा से परमात्मा होना स्वीकार करते हैं। कि कोई बीज अगर पूरी तरह से जल जाए तो वापस उगता नहीं है, इसलिए हम शुद्ध आत्माओं का भगवान का पुनर्जन्म स्वीकार नहीं करते। महावीर स्वामी कहते हैं कि संसार का आत्मा कोई भी सही रास्ता अपनाए सही पुरुषार्थ करे तो भगवान तो बन सकता है, लेकिन भगवान बनने के बाद फिर संसारी नहीं बनता। महोत्सव को गति प्रदान करते हुए एवं जिनेंद्र प्रभु के संदेशों का परचम लहराते हुए नगर भर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके साक्ष्य मनुष्य से लेकर जीव जंतु भी बने। शोभा यात्रा की धूम नगर में देखते ही बन रही थी, हर कोई इस समय परम सुख को भोगना चाहता था। अब शोभा यात्रा अपने पड़ाव जुनाले में पहुंची, जहां संपूर्ण रीति रिवाज के साथ भगवान आदिनाथ की विशालकाय प्रतिमा स्थापित की गई। Thank you.
राजस्थान की पावन धरा पर उदयपुर के लिए यह अत्यंत ही शुभकारी क्षण था, जहां धार्मिक कार्य संपन्न किए गए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में महानुभावों द्वारा मंदिर जी के शिखर पर कलश स्थापित किया गया। यह क्षण वास्तव में नेत्रों को सुख की अनुभूति देने वाला था। दर्शकों, आप देख रहे थे श्री 1008 भगवान आदिनाथ दिगंबर जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की मनोरम झलकियां, जिसका आयोजन राजस्थान की धर्मनगरी उदयपुर में परम पूज्य चारित्र नायक मुनि कुंजर समाधि साधक आचार्य श्री 108 श्री आदि सागर जी अंकलीकर महामुनिराज की परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान केसरी चर्य चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज 71 पिच्छी ससंग के पावन सानिध्य एवं आशीष से 6 से 10 अप्रैल तक किया गया था। तो दर्शकों, आज की विशेष प्रस्तुति में आपने देखा कि किस तरह भगवान आदिनाथ को कैलाश शिखर पर मोक्ष की प्राप्ति हुई और उन्होंने जन कल्याण के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। दर्शकों, आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। पुनः मिलेंगे आपसे अन्य किसी मांगलिक कार्यक्रम के दृश्यों के साथ। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।